Now we are starting question number 3, exercise 10, miscellaneous class 12th. अभी चल रही है हमारे पास. A girl walked 4 km towards west. 4 km towards west. Let I can represent here all the direction. And this one is the east, west, north and south. और वैसे क्या होता है? X, X dash, Y and Y dash. ये आपके पास option रहता है. Okay, तो 4 km towards west. और then she walks 3 km in the direction of 30 east of the north and east of. Determine the girl's displacement from the initial point of the departure. Let the initial point of the girl is here origin 0 and 0. Okay, and the final point suppose here, and this one is the final point and this one is the B. O and this one is the O and this one is the B. O is the initial point, B is the final point. Now come to the point 4 km toward west. 1, 2, 3, 4. Here is the point minus 4 and 0. Okay, 4 km. This is the distance. Okay, now then she walks 3 km in the direction of 30 degree east of north. Now 3 km. Okay, one more time. I draw here the north direction and 30 direction 3 km in the direction of 30 east of north. East of north. East here, north here, north se east ki taraf aapne aana hai. Is tarah se. और आपके पास ये कितना है 30 डिग्री. डेफिनेटली हेयर कितना हो जाएगा 60 डिग्री. ब्रदर ध्यान दो, पहले वो यहां से इधर को चली थी, इधर को चली थी, डायरेक्टेड इधर लाइन थी. फिर वो यहां से ए जो था, ए से इधर को बी को चली, यहां को डायरेक्टेड लाइन. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट ओ बी ये निकालना है और वो डायरेक्टेड लाइन यहां से यहां रहेगी. डेफिनेटली कौन सा लॉ लग जाएगा? एडिशन लॉ लग जाएगा. जो एडिशन लॉ ट्राइंगल था ना वेक्टर में हमने पढ़ा था शुरू में, वो वाला यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा. यानी ये वाला और ये वाला प्लस ओके इसके इक्वल रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम प्लानिंग बना चुके हैं. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ. वेक्टर ओए, वेक्टर ओए डेफिनेटली हियर इज -4i. ओके, आप माइनस वैसे भी कर सकते हैं. x2 o से a डायरेक्टेड है ना, तो a से o का पॉइंट आप माइनस करेंगे, -4 -0, तो आपके पास -4i आ जाएगा. अच्छा, इसके अलावा आपके पास डायरेक्टेड जो हमें वेक्टर a भी निकालना है, वेक्टर a भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं. मैं इसका छोटा सा और सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं. आप यहां पर i लिखिए, मैग्नीट्यूड a b और उसके बाद cos 60, 60 है ना आपका एंगल, और प्लस दोबारा से आप j लिखिए, मैग्नीट्यूड ए बी और साइन 60. ये आपने लिखी है, तो आपके पास कितना ऑप्शन आ गया? कोस 60. कोस 60 की वैल्यू बताइए 1/2, और ए बी कितना है 3, तो आपके पास 3/2 आई आपके पास आ गया है. और साइन 60 की वैल्यू बताइए, साइन 60 √3/2, और ए बी कितना है आपके पास 3, तो 3 और √3/2 और जे के यहां पर आपके पास जे आ गया. नाउ यू हैव बोथ द वेक्टर, यहां पर आपके पास वेक्टर ओए भी आ गया है और वेक्टर ए बी भी आ चुका है. आपको ये निकालना है, ये दोनों का प्लस होता है तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर ओ बी होगी, और वो क्या होगा आपके पास? वेक्टर जो आपके पास ओए है प्लस जो वेक्टर ए बी है उसको आप प्लस कर दीजिए. ठीक है, तो आपके पास ओए कितना है? -4i, और इसको आपको प्लस करना है किसके साथ? 3/2 i प्लस 3√3/2 j, इसके साथ आपको प्लस कर लेना है. ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? चलिए प्लस कर लीजिए, -4 यहां पर है प्लस 3/2 i और प्लस 3√3/2 j, ये आपके पास है. चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो 4 2 जा 8, -8 में से 3 गए, -5/2 i प्लस 3√3/2 j, दैट इज द रिक्वायर्ड. हमारे पास वेक्टर है जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ओ से बी. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कई बुक में यही आंसर है तो आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप इसका जो ये आपके पास वेक्टर आया ना, वेक्टर ओ बी, इसका मैग्नीट्यूड जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा. तो आप इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3√3/2 का स्क्वायर यहां पर करके उसे सोल्व कर सकते हैं, जो स्क्वायर रूट 13 के बराबर आएगा. वो आपका डिस्प्लेसमेंट यूनिट में आ जाएगा. अगर आपको आंसर यहां तक आ रहा है तो ये भी ठीक है, इससे आगे है तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं. आई होप ये इजी सम आपको इजीली समझ में आ गया होगा और एक नया फॉर्मूला आपको यहां पर सीखने के लिए मिला होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे साथ बने रहिए. हम डेली 5 या 5 से ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं और हम चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे. थैंक यू. थैंक यू.